क्या आपको पता है आज की इस वीडियो के लिए कितने लंबे समय से इंतजार चल रहा था? जी हाँ, मेरी हर एक वीडियो के अंदर लगभग एक ही कमेंट आता था कि प्रतीक भाई ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम्स के ऊपर एक वीडियो बनाओ, यानी कि ऐसे गेम जिनमें हमें ज़ॉम्बीज को मारने के लिए मिल जाए एक डर बना रहे सर्वाइवल का। और मैं भी कोई बंदा कम नहीं हूँ, दिन ब दिन चुन चुन कर नए नए गेम्स को रख रहा था ताकि जब मेरा पिटारा भरे तो मैं आप लोगों को एक साथ एक नहीं पांच नहीं बल्कि 10 बिल्कुल ब्रांड न्यू ज़ॉम्बी गेम्स बता पाऊं। और आज वही दिन है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट प्रतीक, आप लोग देख रहे हैं प्रोटेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर पता करते हैं आखिर कौन से होगी वो गेम्स, कैसी होगी ग्राफिक्स। लेकिन एक बात होता है, सभी गेम्स खेलने में मजा बहुत आने वाला है। इसी तरीके की वीडियोस को और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें। और अगर अभी तक मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया है कि इस वीडियो के सभी गेम्स ऑफलाइन होने वाले हैं तो अब जान लीजिए। जी हाँ, ऐसी बात पे चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट एंड बात करते हैं फर्स्ट गेम की, जो कि जेड वॉर 1 द ग्रेट वॉर ऑफ द डेड। गेम के अंदर आप लोगों को एक अल्टरनेट कहानी देखने के लिए मिलती है जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 कभी एंड ही नहीं हुई थी। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। देखो यारो, जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी और जितने भी लोग फाइट कर रहे थे उन सभी में से मरने वाले लोगों की बॉडीज में अचानक से एक वायरस फैल जाता है जिसके चलते वो सभी मरे हुए लोग वापस आ जाते हैं। नहीं समझे, 385 ME के इस गेम ने अब सुपर नेचुरल टर्न ले लिया है, यानी कि वो सभी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सामना करना होगा ज़ॉम्बीज की एक पूरी की पूरी आर्मी का। इनफैक्ट खतरनाक क्रिएचर्स और बड़े बड़े बॉसेस भी देखने के लिए मिल जाएंगे जिनसे लड़ने के लिए आप लोगों को मिलेगी मशीन गन्स और हर प्रकार की वेपन्स, और तो और एयर सपोर्ट भी मिल जाता है। और अगर हम लोग बात करें गेम की ग्राफिक्स की तो वो भी आप लोगों को काफी शानदार देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर एक डार्क थीम एनवायरनमेंट चुना गया है जो कि इस गेम को हॉरिफिक फील देता है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ सेकंड गेम की तो वो है राइज ऑफ सर्वाइवल ज़ॉम्बी गेम। इस गेम के अंदर आप लोग फंस चुके हैं पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड के अंदर, यानी कि बचने का कोई चांस ही नहीं है। आप लोगों को अपनी जिंदगी चाय नाश्ता करने की बजाय ज़ॉम्बी से सर्वाइव करके बतानी होगी। तो ये पूरे तरीके से आप लोगों के हाथ में होगा कि आप सर्वाइव करके जिंदा रहना चाहते हैं या फिर ज़ॉम्बीज की बाइट के चलते इन्फेक्टेड होना चाहते हैं। गेम का साइज है 105 ME, गेम ऑब्वियसली ऑफलाइन है और ग्राफिक्स काफी अच्छी है। यहाँ आपको गन शॉप में हर प्रकार की गन मिलेगी, मेरी पसंदीदा AKM भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ढेर सारे मिशंस मिलते हैं, सिविलियंस को बचाने का मौका मिल जाएगा और वन शॉट किल लेने का एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो चलिए फिर बात करते हैं हमारी थर्ड गेम की जो है इन्वेंशन 3। मैं अक्सर एक चीज सोचा करता हूँ कि ज़ॉम्बी गेम्स के अंदर हम लोगों को कितनी आसानी से AKM या फिर असॉल्ट राइफल्स मिल जाती हैं। लेकिन सोचिए अगर ये रियल जिंदगी ऊपर आधारित होते तो यहाँ पर हम लोगों को हाथों से या फिर चाकू से लड़ना पड़ता, तब तो भैया हमारी जिंदगी राम भरोसे ही बचती, क्योंकि यार घरों में थोड़ी ना मशीन गन्स रखी है। खैर 146 ME का गेम काफी शानदार ग्राफिक्स के साथ में आता है। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा, ढेर सारे ज़ॉम्बीज से सामना करना होगा। अलग अलग बिल्डिंग्स को आप लोग एक्सप्लोर करेंगे, तलाश करेंगे एमोस का और फर्स्ट एड किट्स का, क्योंकि धड़ गोलियां खत्म होंगी जब चारों ओर से ज़ॉम्बीज आएंगे। और हमारा फोर्थ गेम है बर्निंग डेड। मेरे भाइयों, इस गेम को कोई मामूली ज़ॉम्बी शूटिंग गेम मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर कूदते हैं। जी हाँ, सही समझे, पार्कोर देखने के लिए मिलता है। इनफैक्ट अगर हमारे हाथ में गन्स नहीं है तो सिंपली कुल्हाड़ी से ही ज़ॉम्बीज का सिर उड़ा देते हैं। जंगल और पहाड़ों वाला नेचुरल एनवायरनमेंट भी मिलता है। और 977 ME का रहेगा गेम का साइज। और ग्राफिक्स की अगर बात करूँ तो यार क्या ही कहने, क्या कहना, बहुत ही शानदार ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, गेम डेवलपर्स ने यहाँ पर हॉरर फील डालने की भी कोशिश करी है, यानी कि बीच बीच में आप लोगों को हल्का फुल्का डर भी लग सकता है। और अगर डरावना गेम नहीं चाहिए तो चलिए फिर बात करते हैं फिफ्थ गेम की जो की है ज़ॉम्बी ट्रेन। जी हाँ, इस गेम के अंदर आप लोगों को डर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। गेम का साइज है 160 ME, कम साइज का होने के बावजूद गेम की ग्राफिक्स काफी अच्छी है। इनफैक्ट यहाँ पर आप लोगों को एक मकसद दिया जाता है, अपनी ट्रेन को ज़ॉम्बी से बचाना। और पता है मजे की बात क्या है, गेम पूरे तरीके से ओपन वर्ल्ड रहेगा। आप लोगों को आसपास के एनवायरनमेंट से लकड़ियां और जरूरी सामान लेकर के आने होंगे ताकि आप लोग वेपन्स और टूल्स क्राफ्ट कर सको, और फिर क्या, सीधा ज़ॉम्बी से लड़ाई करो, बचते बचते आगे बढ़ो। ये तो राइमिंग हो गई यार। खैर हमारे सिक्स्थ गेम की बात करते हैं जो की है ज़ॉम्बी वायरस के ज़ॉम्बीज। इस गेम को बनाते वक्त गेम डेवलपर्स ने अपना फोकस बिल्कुल साफ रखा है, वो क्या डिलीवर करना चाहते थे उन्होंने बिल्कुल वही किया। 3D अच्छी ग्राफिक्स मिल जाती है, गेम ऑफलाइन है, गेम का साइज है 215, यानी कि एक फ्री टू प्ले ज़ॉम्बी शूटिंग गेम जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट हो, ढेर सारे अंगिनत मिशंस मिल जाए, अलग अलग गेम मोड जैसे कि PvP मोड, ज़ॉम्बी स्टेज मोड या फिर ज़ॉम्बी डिफेंस मोड, और इन सब से भी बढ़कर के ज्यादा बड़े बड़े बॉसेस से फाइट करने के लिए मिलता है। और मेहरबान कदरदान, हमारा सेवंथ गेम है डेड ट्रायंगल। हमारे इस गेम के अंदर आप लोग बिना मतलब के ज़ॉम्बी से लड़ाई नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की जो बेटी है उसको ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया है, यानी कि एक ऐसा शहर जहाँ पर पोस्ट एपोकैलिप्स फैल चुका हो, सभी
लोग धीरे धीरे करके ज़ॉम्बीज में तब्दील हो रहे हैं और आप लोग जिंदा बचना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं अपने परिवार को भी सही सलामत रखना चाहते हैं। तो हो सही तैयार, आसपास के एनवायरमेंट से वेपन्स को कलेक्ट कीजिए, ज़ॉम्बीज का डट करके सामना कीजिए और एट द एंड अपनी बेटी को बचा लीजिए। गेम का साइज है 344 MB और गेम के अंदर हर प्रकार की वेपन मिल जाएगी और डिसेंट ग्राफिक्स मिलती है। लेकिन हमारा अगला गेम अच्छी ग्राफिक्स वाला है, जी हाँ, ज़ॉम्बी वॉर न्यू वर्ल्ड। इस गेम के डेवलपर्स हैं डॉग ऑन गॉड, जिन्होंने पहले भी काफी शानदार ज़ॉम्बी शूटिंग गेम्स बनाए हैं, जैसे कि बिसोजो बैटलफील्ड, एस्केप हेल आइलैंड या फिर ज़ॉम्बी वॉर न्यू वर्ल्ड। आप लोगों को इनमें से जो भी गेम अच्छा लगे आप उसे ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, और गेम का साइज है 155 MB और ऑब्वियसली गेम्स ऑफलाइन ही है, ऊपर से सभी के सभी गेम्स ओपन वर्ल्ड है। चलिए फिर फटाफट से बात करते हैं वीडियो के सेकंड लास्ट गेम की, जो कि है वॉकिंग डेड सर्वाइवल स्ट्रीट। आप लोग आराम से सो करके उठते हैं लेकिन अचानक देखते हैं कि पूरे शहर पे ज़ॉम्बीज ने कब्जा कर लिया है। सोचिए जरा ऐसे शहर में रहना जहाँ पर चारों सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हो, तो आप लोग क्या करेंगे, डर के भागे या फिर डट करके उनका सामना करेंगे? बस यही चॉइस है आपके पास में। क्या दोबारा सो नहीं सकते हैं? तो हो जाइए तैयार, 431 MB के स्कीम में आप लोग डिफेंड करते हैं अपने पूरे के पूरे शहर को, ड्राइव करते हैं और कुचलते हैं ज़ॉम्बीज को, और गेम की ग्राफिक्स डिसेंट देखने के लिए मिलेगी। और अगर चाहिए अल्टीमेट ग्राफिक्स तो चलिए मेरे साथ 10th गेम की तरफ, जो कि है इनटू द डेड 2 अनलीश्ड। जी हाँ मेरे भाई, और नेटफ्लिक्स की तरफ से आने वाला इनटू द डेड अनलीश्ड गेम के यार क्या ही कहने। हाँ क्या कहना, मतलब यहाँ पर आप लोगों को ज़ॉम्बीज से फाइट करने के लिए मिल जाता है लेकिन बिना किसी कारण के नहीं, पूरी प्रॉपर स्टोरी लाइन मिलती है, हाईली डिटेल्ड ग्राफिक्स मिल जाएंगी, शानदार एक्शन देखने के लिए मिलता है और हर प्रकार की वेपन्स मिल जाएंगी। यानी कि आप लोग एक ज़ॉम्बी गेम से जो भी एक्सपेक्ट करते हो, बड़े बड़े बॉस बैटल्स, ढेर सारे ज़ॉम्बीज, शानदार ग्राफिक्स, कमाल की वेपन्स और एक अच्छी स्टोरी, वो सब आप लोगों को इस गेम में देखने के लिए मिलेगा। और ऊपर से गेम का साइज है 584 MB और ये गेम भी ऑफलाइन है। सो मेरे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि काफी लंबे समय से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर्वाइवल ज़ॉम्बी गेम्स के ऊपर वीडियो बनाओ, और ये लीजिए आज वो वीडियो आ ही गई। फ्यूचर में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस को हमेशा देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फुल सपोर्ट दिखाइए। आज के लिए बस इतना ही, लेता हूँ आप लोगों से विदा, मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।